दिल्ली स्थित केंद्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च संस्था में नोवा आयुर्वेदिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर आए मरीजों और आगंतुकों को स्वास्थ्य जीवन शैली, निरोगी काया बनाए रखने और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए तरीकों पर डॉक्टर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा करते हुए डॉक्टर ने बताया है कि इस प्रकार से आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन कर स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक डॉक्टरों की बातों को सुना और हमने जीवन में इन आयुर्वेदिक उपायों का पालन करने का संकल्प लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बीमारी कारण होने का कारण क्या हुआ? बारिश में भीग गया। तो आपको कॉज का पता चल गया? तो आयुर्वेद में ऐसे लिखा गया है, चिकित्सा में संक्षेपत क्रियायोग निदान परिवर्तन। तो इन शॉर्ट जो क्रिया करना है, चिकित्सा कर्म करना है, उसका कारण क्या है? पहले जो जिस बीमारी के लिए जो कारण है उसको त्याग करना जरूरी है। सपोज आपका घी खाने से या बाहर का मिर्च मसाला खाने से पेट फूल गया, जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगी तब तक जितना दवाई खाओगी वो कुछ काम नहीं करेगा। समझ में आया? दूसरी बात आयुर्वेद में लिखा है, रोगा सर्वापि मंदाग्नौ सुतराम उदराणी च। क्या है? जितने भी रोग दुनिया में है वो सबका मुख्य कारण क्या है? पेट, मंद अग्नि। तो इसीलिए खाना आपको ठीक से खाना चाहिए। कैसे खाइए? आप कैसे खाएंगे? एक आपको जगह गए भोजी में, कहीं पार्टी में गए, आपको मिल गया इतना खाना, मिल गया, समझ में मिल गया, तो आपने बोले अरे ये तो आज तो टेस्टी लग रहा है, इसको खाओ, जम के खाए, जब तक खाए तब तक यहाँ तक नहीं आ गया। एक लेडी आपके साथ भी था, उसने बोला ठीक है भाई मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा खाऊंगा, इसमें से थोड़ा खाऊंगा और पेट को आधा रखो। समझ में? तो क्या कहने का मतलब ये, खाना थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए, आधा पेट भर खाना, आधा भर, थोड़ा पानी, थोड़ा गैस के पेट के वायु के चलाचल करने के लिए रखना चाहिए। ये तो ये हो गया। तो आप देखे हैं कभी जो घी जो है आग को जलाता है? देखे है नहीं? घर में होम करते हैं है? जब आप घी डालते हैं तो कैसे डालते हैं? एक साथ एक तीन लेके डाल देते हैं क्या? नहीं डालते ना। कैसे डालते हैं? थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो वो आग को जलाएगा। इसी तरह जो हजम करने का जो शक्ति है वो एक आग है, तो उसको जलाने के, उसको जो है हम बढ़ाने के लिए कैसे खाएंगे? थोड़ा थोड़ा, 10 बार खाओ लेकिन थोड़ा खाओ। तो इससे क्या होगा? आपका आग बढ़ेगा, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, मुख्य बात मैं बता देता हूँ, सर्वे सांग रोग। अगर आपने सारे कुछ खा लिए, पेट आपका सुबह जो है साफ नहीं हुआ, तो क्या होगा? दिन भर जो है आप पागल की तरह घूमते रहेंगे। समझ है या नहीं? भूख नहीं लगेगा, खट्टी डकार आएगा, पेट जो है फुला फुला रहेगा, मन कहीं नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में लिखा है सर्वे, तो क्या है, रोग का जो है कुपित मल, सर्वे संग रोगाणां एक कारण है कुपित मल। मल जो है इसीलिए जानो और उसको त्याग करो, छोड़ दो पहले। दूसरा है खाना जो है, रोगा जितना है सब मंद अग्नि के कारण, पेट के कारण होता है। खाना जैसे मैंने बताया वो इसे खाओ। तीसरी बात क्या बताया? सर्वे संग रोगा भागवत में लिखे हैं कि जो है कुपित मल है, सब जितने भी रोग है, गंदी चीज पड़ा रहेगा क्या होगा, उससे बीमारी होगा ना, सड़ जाएगा, फिर उसमें कीड़े होंगे, कीड़े होने के बाद फिर जो विभिन्न प्रकार के रोग करेंगे। आप देखते होंगे एलोपैथिक में जाते होंगे, कोई अगर पढ़ा लिखा है इसमें, मुझे लगता है सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो देखे होंगे कि क्या लिखा है कि जो है ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है। क्या है? अरे स्किन में ये डिजीज हो गया, सोरेसिस हो गया, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर, अरे ये क्या हो गया, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अरे तो ऑटोइम्यून मेटाबॉलिक डिजॉर्डर या ऑटोइम्यून डिजॉर्डर हो गया। तो ये सब ऑटोइम्यून डिजॉर्डर कहाँ से आता है? आज के दिन में ऑल इंडिया वाले इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइंस के जो एलोपैथिक वाले हैं एंड अमेरिका लोग तो ये समझ गए हैं कि इंटेस्टिनल गट का जो माइक्रोबायोम है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वेरियस डिजीजेस, सबसे बड़ा है ऑटोइम्यून डिजॉर्डर के लिए कारण। तो वो कहाँ से आया आपका, ये जो पेट का जो खराब कहाँ से आया? आपके खाने से आया। इसीलिए खाना, आहार का महत्व बहुत महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरे चीज क्या मैंने बताया था, मैथुन, सेक्स भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि महीने महीने सेक्स नहीं करोगी एंड ये करोगी, आयुर्वेद में लिखा गया है सेक्स भी करना चाहिए। उसमें एक बार सेक्स करने से क्या होता है, 100 कैलोरी जो है क्या कम होता है, वेट 100 कैलोरी जो एनर्जी कम हो जाता है, समझ में आया, लेकिन उसको नियम के अनुसार करना चाहिए, समझ में आया। ऋतु के अनुसार आयुर्वेद में लिखा गया है, महीने में वर्ष गर्मी के मौसम में महीने में एक बार करो, सर्दी के मौसम में 15 दिन में एक बार करो, वसंत ऋतु में यथेच्छा करो, जब इच्छा तब करो, समझ में आया। ये छोटा सा प्रिंसिपल मैंने बता दिया, लेकिन नहीं करोगी तो परेशान होगी, ठीक है। आहार, मैथुन एंड उसके बाद आया क्या, हार वाला निद्रा।
वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने ये सब कुछ कर दिए, रात को आपको नींद नहीं हुआ, आप ठीक रहोगे? एक दिन रह सकते हो, दो दिन रह सकते हो, तीसरे दिन से आपको जो है स्टार्ट होने लग जाएगा, क्या सर पे भारी पग, कहीं पे बात कर रहे काम में मन नहीं लगना। तो इसीलिए निद्रा भी लेना जरूरी है। तो आयुर्वेद में छोटे चीज तीन चीज बताया है, ये सब बहुत सारी बातें बोलने के लिए, आहार में अगर बोलेंगे तो 10 लेक्चर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात जो आप लोगों के समझ में आता है वो है आहार, मैथुन एंड निद्रा। कोई चीज को हम बहुत ज्यादा अपनाएंगे नहीं, कोई चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे, सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, सब खाएंगे थोड़ा थोड़ा, समझ में? कोई एक बोला कि अरे जूस तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो जाओ आधा लीटर, एक लीटर जूस जो है सुबह पियो, एक लीटर जूस जो है शाम को पियो, वो ठीक रहेगा क्या? नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में लिखा है मात्रावत, ठीक है। उसके साथ साथ और एक लिखा है पथ्य सती पदार्थस्य किम औषधि निषेवनम्, पथ्य असती पदार्थस्य किम औषधि निवलनम्। पथ्य पथि सुने, पथि आप सपोज कोई एक बीमारी के लिए दवाई तो खाओगी, सपोज आपने सारे कुछ करने के बावजूद भी आपका क्या हो गया, बीमारी हो गया, तो डॉक्टर के पास जाओगी, डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर दवाई देने के साथ साथ कुछ परहेज बताएगा, अगर वो परहेज नहीं करोगी तो होगा क्या, ठीक नहीं हो पाएगा। सपोज मैं बताता हूँ, कोई एक श्वास की रोगी है, सांस की बीमारी की रोगी है, सांस का अस्थमा हो रहा है या सांस फूल रहा है, अगर वो जितना भी दवाई ले रहा है लेने दो, अगर वो दही खाएगा तो उसका सांस जो है पूरा खुल जाएगा, स्टेटस ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इसीलिए कौन सा बीमारी में क्या पथ्य है या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी ध्यान रखना जरूरी है, वो भी रिलेटेड किससे, खाना से रिलेटेड। इसीलिए आहार का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पीन खाना ये महत्व है। ये छोटे छोटे बात बता दी, बाकी मैडम टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।